Okay guys, first for this camera, 3, 2, 1. I'm done. Siglia. Okay guys, first for this camera, 3, 2, 1. I'm done. Siglia. Hello. Green one. Delhi masala.
बहुत ही ज़्यादा सुबह देखा था गाना, बहुत अच्छा लग रहा है और जस्ट वॉन्ट टू विश देम कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस न्यू सॉन्ग। एंड राम जी ने जो गाना गाया वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा म्यूज़िक है गाने का, बहुत ही अच्छे लिरिक्स हैं और बेस्ट पार्ट इज़ दैट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द सॉन्ग। एंड राम जी की अच्छी बात यह है कि वो जो भी शूट करते हैं बहुत ग्रैंड लेवल पर शूट करते हैं और ये उन्होंने फिर से प्रूव कर दिया इस वीडियो के थ्रू कि ये जो वीडियो है बहुत ही ग्रैंड लेवल पे शूट हुई है और एक बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ दिया गया है जो हमारा कल्चर है, इंडियन कल्चर। और जब जन्नत ने एक लाइन भी बोली थी उसमें, तो वो मैंने देखा पूरी वीडियो अच्छे से, तो मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी। दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, मैं दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। आशीष सिंह के साथ नहीं आ रहे हैं, अनुष्का सेन के साथ आ रहे हैं। हाँ सो नहीं, आशी तो गोवा घूमने गई थी मैं उसके बाद गया था शूट के लिए अनुष्का के साथ। और वो गाना भी नो डाउट बहुत ही अच्छा सॉन्ग है और बहुत ही अच्छा फील है उस सॉन्ग में। उसमें आपको सस्पेंस, थ्रिलर, एक्शन, रोमांस सब कुछ देखने को मिलेगा। और हम दोनों ने उसको शूट किया है तो हम लोग भी बहुत सरप्राइज थे जब हमें स्टोरी का कॉन्सेप्ट पता चला और जिस लेवल पर शूट किया गया है, तो वी बोथ आर वेरी एक्साइटेड। बस जल्दी से आए तो बस मैं इतना बता सकता हूँ कि 2020 में नहीं आएगा, 2021 में आएगा और बहुत अच्छा आएगा। बहुत ही अच्छा शूट हुआ है। इट विल बी अ बैंगर। इन्होंने रिंग तो नहीं पहनी है वरना गायब हो जाएंगे फिर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले देखते ही मुझे बहुत मज़ा आ गया था, सुनते ही हम लोग साथ में बैठ के देख रहे थे और हमें लगा था यार ये ऐसा कुछ करने को मिल जाए तो कितना अच्छा लगे। और जिस दिन ये अपॉर्चुनिटीज आई और फिर ऑडिशन दिया तो ऑफकोर्स मतलब दिल से दिया था और फिर भगवान ने सुन ली एंड ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी। उस दिन उन्होंने बात तक नहीं करी थी, मैं हीरो हूँ बात नहीं कर रही थी। हम दोनों मिल के दुनिया को बचाएंगे। बिल्कुल अभी फॉलो नहीं कर पा रहे बिग बॉस, हम तो शूट पे रहते हैं फिर वापस आते हैं सो जाते हैं। हीरो भी नहीं फॉलो कर पा रहे, हीरो भी हम लोग सोने लिए बैक पे देखते हैं। लेकिन आते वक्त ना ट्रैफिक होता है, ये ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। लास्टली जानते हैं फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे?
वेल मैं पर्सनली यू नो जितने हमारे फैंस हैं मेरे दादा के, हम उन्हें दिल से थैंक्स कहना चाहेंगे क्योंकि वो लिटरली हमें बहुत प्यार करते हैं और उन्हें हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी लगती है एंड मैं बहुत अच्छा लगता हूँ, दादा बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम अपने फैंस को दिल से थैंक्स कहना चाहेंगे और मैं पर्सनली भी थैंक्स कहना चाहूँगा बिकॉज मेरे यूट्यूब में 1 मिलियन हो गए और इंस्टाग्राम पे 6.6 मिलियन हो गए। सो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बीइंग एन एक्टर बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, उसके बाद भी ये सारी चीज़ें डिजिटली भी मैं यू नो एक्टिव रहता हूँ और लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, तो उसके लिए मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। एंड येस, आने वाला साल आप सबके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और आने वाले साल में बहुत ही पॉजिटिव होप्स के साथ हमें जाना है और पिछले साल जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, और हम सबको उससे भी बेटर और स्ट्रॉन्गर 2021 में एंटर करना है। बाकी आप सब ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट बनाइए और ढेर सारा ब्लेसिंग दीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। हाँ मतलब मैंने ऐसे अपने मुँह से बोलना अच्छा नहीं लग रहा दैट आई एम द यंगेस्ट यू नो मेल एक्टर जिन्होंने यूट्यूब पे 1 मिलियन यू नो सब्सक्राइबर टच किया है। सो ये जान के बहुत अच्छा लगा और मैंने ऐसे गूगल पे सर्च किया कि बात सच है नहीं, तो डायरेक्ट मेरा ही नाम आया पहले सिद्धार्थ निगम, तो मैंने तुरंत अपने भाई से शेयर किया। रात को केक लाया, हमने केक कटिंग करी, सेलिब्रेट किया घर पे ही और बहुत अच्छा लगता है यू नो, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है कि आप सब मुझे इतना प्यार करते हैं। बस मैं भी यही ट्राई करता रहता हूँ, मैं भी अपने काम से आप सबको यू नो इंस्पायर करता हूँ। वेरी प्राउड, हैप्पी न्यू ईयर एंड मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ अभिषेक, एक टेली मसाला 5 मिलियन प्लस यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हुए हैं, नंबर 1 चैनल बन गया, प्लीज एक विश। ओह टेली मसाला इधर लाउड हूँ। सो आज रामजी सर का गाना आफ्टर लॉकडाउन रिलीज हो रहा है, इतना एक डिफरेंट है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा गाना है और बहुत टाइम बाद पाजी का गाना कुछ समथिंग फ्रूटी लग दी टाइप, मतलब वो लेवल का लगा। और गाने में है ऑब्वियसली ट्रेंडिंग बॉय मिस्टर फैसू और जन्नत, तो गाना तो चलना ही है। बहुत अच्छा लगा और शूट भी काफ़ी अच्छा हुआ। थैंक यू।